ये बंदा ना सारे रस्ते लगा हुआ आया सर, नो स्मोकिंग एट ऑल, स्मोकिंग इन्यूरियस टू हेल्थ यार। जिसका व्लॉग है ना वो ये ठीक है, और सुती उठी है, बाल खिल रहे थे पूरी बात नहीं बोली। अकेले के लिए बोतल है, अभी आप भी पियोगे। भाई हम जलील होके बाहर आ गए, हमें कुछ नहीं मिला अंदर से। ये भाई जलील होने आए थे लेकिन नहीं हो सका। हम पिज्जा लेने आए थे, उसका सिर्फ एक स्लाइस 220 रुपए, बहुत महंगा पिज्जा था। फिर हमने कहा करने की जरूरत नहीं, हमने कहा कि हम टूर रोल के पल्ले से खाएंगे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? हम सारे हैं आपके साथ साथ। ये हो गया वो सफर, शुरू हो गया मेरा पहला स्टे है ना वो है कवई में, और कवई जिसने भी नारान जाना है, बाबूसर जाना है, या उसके आगे हुंदा वगैरह जहाँ पे भी जाना है, उसका जो बेस्ट स्टे मतलब जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ या नॉर्मली जो सारे रिकमेंड करते हैं वो कवई करते हैं। कवई ऐसे है कि यहाँ पे ना आबशार है ठीक है, और उसके आबशार के काफ़ी ज़्यादा टोटे हैं, और उन्होंने आबशार के बीच में एक बड़ा प्यारा सा व्यू बनाया हुआ है, और उसके बीच में चार पहियाँ रखी हुई हैं, नाश्ता आ रहा है, और उसके बीच में नाश्ता देसी नाश्ता स्पेशली यहाँ पे मिलता है, अंडा पराठा चने और काफ़ी कुछ है, लेकिन हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि हम अंडा पराठा या चने खाएँ। नाश्ता वगैरह करके अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो इंशाल्लाह नारान होगा, और फिर उसके साथ साथ आपको अपडेट भी करेंगे कि कहां से कहां तक जाएंगे। इस टाइम तो मतलब ये व्यू है पीछे सारा दुबई का। वैसे मतलब ना आम डेज में ना ये काफ़ी रश ही होता है, मतलब वीकेंड्स में ना, और हम वीक डेज में हैं, मतलब आज वेनसडे है, हम ट्यूसडे की रात को निकले थे, तो उससे फ़ायदा ये है कि हमें ना रश बहुत कम मिलता है अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं ना।
वरना ये काफ़ी क्राउडेड जगह है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये ना सारा वो है, मिड पॉइंट है सबके लिए, कहीं पे भी अगर आपने जाना है, नारायण जाना है, बक्सर टॉप जाना है, तो वही ये था मिड पॉइंट। ज़्यादातर लोग नाम सफ़ी आज़म भाई, हाँ जी अब्दुल्ला काशी अब्दुल्ला शहरिया उस्मान अबीर भट्ट अबीर भट्ट साद भाई, उनका नाम मुझे पता है। नाम 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 अपना क्विक इंट्रोडक्शन, क्विक इंट्रोडक्शन। हेलो जी, कैसे हैं सर आप? हम एक ही चड्डी पहनते थे बचपन में, कभी वो पहन लेता था, कभी मैं पहन लेता था, चड्डी बड्डी हम लोग ढाई घंटे का तकरीबन, वैसे तो डेढ़ घंटे पहुंचते, लेकिन ड्राइवर का ढाई घंटे। समझ गए समझ गए, यहाँ की चलो बैठे आगे। हम सबसे पहले ना ये PDDC आए हैं, और इसके मतलब मैंने पहले नहीं देखा हुआ, ठीक है, तो हम पहले इसका ना व्यू पॉइंट देखेंगे। मैंने सुना है कि नीचे ना एक कोई झील वगैरह भी है, या शायद दरिया है, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो प्लान है ना वो है राफ्टिंग का। छाते पा दो अपनी मदद आपके तहत राफ्टिंग हो रही है। बताओ भी तो सही चप्पू क्या है। साइड वाले लोग उस वक्त तक मोबाइल नहीं यूज करेंगे जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। पीछे
अपना लगा रहे हैं इसे हम यहां पे रात को स्टे करेंगे बच्चों को पता है एक बच्चा होगा मजा करेंगे ये व्यू है इधर का जी कैसा रहा आपका यहाँ तक का सफर सर अभी तक दोबारा से कमर टूट टूट के टूट चुकी है अब बस उसका जोड़नी है बिस्तर में लेट के बस राफ्टिंग राफ्टिंग कैसी लगी राफ्टिंग में लता बनी आ गई हाँ बाजार फिरेंगे अभी हाँ फिरो फिरो अभी थोड़ा फ्रेश हो लेना फिरो कैसा सफर रहा है यहाँ तक बेहतरीन शक्ल से नहीं लग रहा कि बेहतरीन हुआ बस समझ जाओ फिर आपका दुख मैं समझ सकता हूँ आपके साथ ही बैठा हुआ था सोए हुए थे बैठा हुआ सोए हुए थे सिर्फ आधा घंटा लेटा हूँ हम पहुँचे हैं पड़वई ठीक है और समान समून हमने कर लिया होटल कर लिया है ठीक है एक मुझे बड़े मजेदार चीज पता लगी है कि ना यहाँ पे सिग्नल वगैरह सिम वगैरह कुछ भी नहीं यूज होता इधर ना वाईफाई यूज होता है सैटेलाइट का तो मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था हम वो करने जा रहे हैं कि वो कैसे यूज करेंगे बताओ आपको भी बताते हैं कि वो कैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे लोकल दुकानें हैं वो ऐसा करके देती हैं कि सैटेलाइट है उसका हम एक वाईफाई देंगे और उसकी जो पाकिस्तानी प्राइस है ना वो है 220 रुपये 1 GB फॉर 3 डेज चलो हाय वो करते हैं हम आज भाई ना भी हमें बताएंगे कि ये कैसी जगह है ये जो बरवई है ना ये जगह ऐसा जहाँ पे कोई हाइकिंग प्लेस नहीं है जिस तरह के बाटाकुंडी में वो है लालाधार है जलखट से नूरी टॉप है बेसर से दोधी पत्थर है गटीदास से संबक्सर धर्मसर लेक है बल्कि सत्सर माला लेक है और बाबू सर टॉप से धर्मसर संबक्सर लेक है यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन ये वैली एज इट इज़ बहुत प्यारी है ठीक है इसके पहाड़ अच्छे हैं और इकोनॉमिकल है सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह और रश नहीं है पुरसकून है आप रात को फैमिली के साथ घूमें कोई आपको यहाँ पर हुल्लड़बाजी नहीं मिलेगी कोई तंग नहीं करेगा आप दोस्तों के शोर में जाएँ कोई आपको रुकने वाला नहीं होगा लिमिटेड होटल्स हैं और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है इस वैली का आगे आप जाके देखेंगे कि ये नारायण को बीट करेगी इंशाल्लाह तो मुझे वो सैटेलाइट वाला वाईफाई चाहिए वो मतलब बताओ कि मतलब कैसे यूज होता है वो क्या करते हैं वाईफाई ऑन करें वाईफाई आ रहा है अच्छा कनेक्ट करें उसी कार्ड अच्छा यार ये कार्ड है मतलब 1 GB मतलब 200 रुपये का 220 का अच्छा ये उसके ऊपर 200 लिखा हुआ है 220 रुपए का डिस्काउंट नहीं बढ़ा अच्छा यार अच्छा ये है आप ये मतलब यहाँ पे ना ये यूज़ होता है एज अ वाईफाई और जो भी कह सकते हैं उसको लोड करते हैं खेलो खेलो हार गए लोग उसके बाद ये लो वो भाई रहता है